आज हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए मुझे क्या करना है, ऑक्टल क्या होता है, जिसका बेस होता है 8। तो अब मैं डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करती जाऊंगी और जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको लिखती जाऊंगी। ठीक है, 8 बन जाए, 8 हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 7। अब 8 0 0 रिमाइंडर क्या बचा, 1। और जो इसका ऑक्टल कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, अब मुझे सिर्फ रिवर्स चलना है और इसका ऑक्टल कन्वर्जन आ गया 1 7 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उनको कैसे चेंज करें ऑक्टल में। तो सबसे पहले हम नॉन फ्रैक्शनल पार्ट देख लेते हैं। 127 मैंने इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 7 आगे, और 7 8 0 0 रिमाइंडर आया 1। तो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट का तो सीधा सीधा 177 हो गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए मुझे क्या करना है, 0.16 है, ठीक है ना, मुझे इसकी 8 से मल्टीप्लाई करनी है। जो आंसर आएगा जैसे 1.28 आ गया, तो जो इंटीजर वैल्यू है उसको मुझे साइड में लिख रख लेना है और जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसकी दोबारा आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाना है। ठीक है, यहाँ पर 2.24 आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू मैंने साइड में रख ली, 0.24 आ गया, इंटीजर वैल्यू मैंने साइड में रख ली। ठीक है, ये आगे चलता ही चला जाएगा, तो अब मैं यहीं पर रुक रही हूँ। इसको कैसे करेंगे अब आगे, अब इसको सीधा सीधा मुझे इस फ्लो में चलना है। तो 127.16 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, 177.121। अब हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल क्या होता है, जिसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो अब डेसिमल नंबर क्या है मेरा, मान लो मैंने ले लिया 2545। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। जिस तरह से मैंने बाइनरी में जिसका बेस 2 होता है उससे 2 को 2 से डिवाइड करा था, ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है 8 से डिवाइड करा था, तो इसी तरह से हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है मैं 16 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, अब 2545 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगी 159 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। 159 को मैं फर्दर आगे 16 से डिवाइड करूंगी तो 9 बचेगा और रिमाइंडर आएगा 15। और 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, F। ठीक है, और अब 9 को 16 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 0। हर बार की तरह हमें सीधा रिवर्स ऑर्डर में चलना है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 9F1। ठीक है, अब इसका भी हम देखेंगे नॉन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का हम कैसे करेंगे। 2545.0628 इसको कैसे मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 2545 सबसे पहले मैं सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ले रही हूँ, डिवाइड करते हुए चलती जा रही हूँ, रिमाइंडर बचेगा उसको मैंने साइड में लिख लिया। ये तो रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या करना है, 0.0628 ले लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको साइड में लिखते जाएंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसकी आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू क्या आ गई, 1। अब